भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, यानी 43 साल कंप्लीट होने के बाद 44 में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी जी। सर, सबसे पहले तो 44 में आप लोग पहुँच चुके, इसकी बधाई हो बहुत बहुत। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, और मेरी ओर से भी सभी देश प्रदेशवासियों को भाजपा के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आज से आगाज हो गया, जिस तरीके से चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोषण के साथ में झंडारोहण है, स्वच्छता अभियान है, ब्लड डोनेशन है, तमाम तरीके के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कैसे देखते हैं? हमारे स्थापना दिवस है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है 14 अप्रैल 6 अप्रैल, ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हम हमेशा अपने स्थापना के समय से इन कार्यक्रमों को अलग अलग स्वरूप में मनाते रहे। इस बार एक सामाजिक न्याय सप्ताह का कार्यक्रम है, आज से प्रारंभ होगा और उसमें अलग अलग विषयों के कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए हैं। 11 तारीख में महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है, 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, हम लोग एक विचार गोष्ठी और प्रभात फेरी उनके विचार को लेकर जनता के बीच में इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो सेवा के कार्यक्रम हो, चाहे रचनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम हो, लगातार हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार हमारी जो भी सरकार की उपलब्धियाँ हैं, सरकार के काम हैं, पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम लोगों की उपस्थिति जनता के बीच में है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारा स्थापना दिवस है, 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा राव समाज सुधारक थे इतने बड़े, उनका जन्मदिन है, और हमारे भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो लगातार हम लोग अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में हमारा संपर्क संवाद, गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान की भी सर शुरुआत करी जा रही है, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का एक सर बीजेपी का नया प्रयास है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी सर दलितों और पिछड़ों को लेकर लगी हुई है, जबकि पहले वो मुसलमानों पर फोकस करती थी। भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन काल से ही, प्रारंभ से ही 130 जो वर्तमान में हमारी आबादी है, हमारे लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब सरकार में आती है तो वो उसमें अपना वोट बैंक, अपनी जाति, अपना समर्थक देखती है, उनकी विकास की योजनाएं जितनी भी हैं, जो उनके विकास के काम हैं, हमारी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें जो जो उसके लिए अभ्यर्थी हैं उन्हें सबको जोड़कर हम लोग चल रहे हैं। सब ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, जो भी अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसके विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया, उसमें कोई भेदभाव नहीं, जो उसके लिए पात्र हैं सबको उस सुविधा का लाभ मिला। हमारी किसान सम्मान निधि है या जितने भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जितनी भी योजनाएँ हैं उनके समय की, वो पार्टी, परिवार, जाति, समर्थक इसी तक उलझे रहे हैं, और प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है, और यही कारण है कि आज वो सरकार सत्ता से अलग बैठे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को देश भर ने सुना, उसमें उन्होंने आज एक बड़ी बात कही, हनुमान जन्मोत्सव भी है आज, कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है वो भगवान हनुमान की तरह ही लोगों की मदद कर रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, यथार्थ भी है, सच्चाई है कि भगवान हनुमान जी को जिस प्रकार से राक्षसों का सामना करना पड़ा और वो अपने विषयों के लिए दृढ़ हो गए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने विचार के लिए दृढ़ है। भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अराजकता है, गुंडागर्दी है, हम सबके खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक देश में नए कल्चर का नेतृत्व कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया है, इसमें वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद बंधक नहीं है। हम लोग एक नए पॉलिटिकल कल्चर में सभी देशवासियों को साथ लेकर चलने का संकल्प हमारा है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम उसे आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद है और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को आगे बढ़ा रही है और सभी एक वर्ग और समुदाय को लेकर आगे चल रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।